अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दही वड़ा। ये मैंने ले ली है 1 कप उड़द दाल और 1/2 कप मूंग दाल। इनको मैंने रात भर भिगा लिया था। अब इसको मैं ग्राइंड करूंगी। इसमें हम डालेंगे 3 हरी मिर्ची और 1 अदरक का टुकड़ा। इसको ग्राइंड कर लेंगे और अब हम मूंग की दाल पीसेंगे। उसमें हम डालेंगे नमक और ज़ीरा और दोनों को फाइन पेस्ट बना लेना है। पानी एकदम ज़्यादा नहीं डालना है। दही वड़े बनाने के बहुत तरीके होते हैं। कुछ लोग प्लेन भी बनाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें डालने से और भी टेस्टी बनते हैं। देखिए, अब ये दोनों दाल मैंने एक साथ मिक्स कर ली है। अब इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है बेकिंग सोडा और इसको हाथ से मिक्स करते जाऊंगी 15 to 20 मिनट्स, जब तक हमारी दाल का जो घोल है वो फूक नहीं जाता। इस तरह इसको हमें फेंटते जाना है हाथ से 15 to 20 मिनट्स तक। जितना फेटोगे दही वड़े उतने सॉफ्ट बनेंगे, अंदर से मॉइस्ट रहेंगे और फ्रिज में रखने के बाद बीच में से कड़क भी नहीं होंगे। जितना हो सके इसको फेटते जाइए, 20 मिनट से ज़्यादा भी फेट सकते हैं। देखिए, हमारे घोल का कलर चेंज हो गया है, ये थोड़ा सा फ्लफी हो गया है पहले से। अब इसको हम 1 by 1 करके फ्राई कर लेंगे। ऑयल मैंने गरम करने रख दिया था। अब एक एक करके मैं अपने वड़े फ्राई करूँगी। इस तरह वड़े डाल दीजिए और इसके ऊपर गरम तेल चम्मच से डालते रहिए। उससे क्या होता है, हमारे वड़ों में जो एयर है वो अंदर ही पैक हो जाती है, बाहर नहीं आती, तो हमारे वड़े फूलने लगते हैं जल्दी से। आप देख सकते हैं कितने फूक गए हैं तेल डालने से। 1 by 1 करके इसी प्रोसेस से हमें वड़ों को फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कितने फूल गए हैं ये। इसी तरह हाथ से 1 by 1 करके फ्राई कर लीजिए और इसको स्लो आंच पे फ्राई कीजिए, फास्ट मत कीजिए, वरना बाहर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसी तरीके से तेल ऊपर डालते रहना है वड़ों के, और जब आप दाल पीसने लो उसी वक्त तेल गरम करने रख दो, तो ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा और फिर फ्लेम को लो कर दीजिए। बस इसी तरह तेल डालते रहिए, धीरे धीरे करके ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है हमारे वड़ों पे। इससे ज़्यादा डार्क मत कीजिए। इसको जल्दी से निकाल कर पानी में डाल दीजिए। पानी में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और इसको हल्का सा वार्म किया था, ताकि पानी में डालने के बाद हमारे वड़ों का नमक कम ना हो जाए और ये फीके ना लगे अंदर से। देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं, और ये हमारे सारे वड़े फ्राई होके पानी में भीग गए थे। अब इसको हाथ से हल्का हल्का प्रेस करके पानी निकाल के इसको रख दूंगी मैं। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, वरना वड़े टूट सकते हैं। और वड़े फ्राई हो रहे थे तब तक मैंने दही को छान लिया था और उसमें शुगर डाल के इस तरह विस्कर से फेंट लिया था। और मिक्सर में ग्राइंड मत कीजिएगा, वरना दही ज़्यादा पतली हो जाएगी।
और ये लस्सी बन जाएगी। मैंने सारे वड़े डाल दिए हैं हमारे बाउल में। अब इस पे मैं ऊपर से दही डालूंगी, ये देखिए, और उस पे मैं डालूंगी खट्टी मीठी चटनी। इसके बिना दही वड़ों का मज़ा नहीं आता। आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं साथ में, लेकिन मैंने सिर्फ खट्टी मीठी चटनी डाली है। अब ऊपर से मैं डाल दूंगी रेड चिली पाउडर और चाट मसाला। और अब मैं इसमें डालूंगी सेव। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से ये बिल्कुल चाट की तरह लगती है। और अब इस पर डालूंगी मैं कोरिएंडर। देखिए, रेडी हो गए हमारे दही वड़े। आप चाहे तो इसको ठंडा करके खाइए या ऐसे भी खा सकते हैं। अब आपको एक मैं वड़ा तोड़ के बताती हूँ ये अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। देखिए, बिल्कुल भी कड़क नहीं है, अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है और एकदम मॉइस्ट है। आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।